नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है जो कि यूजीसी नेट की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 1 से 3 तक, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट की वहाँ लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और दोस्तों कम से कम एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट और उन प्लेलिस्टों में बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें जाकर देखें। पहला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है, यह प्रश्न दिसंबर 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए कबीर, अमीर खुसरो, दादूदयाल, सुंदरदास। ऑप्शन बी अमीर खुसरो, कबीर, दादूदयाल, सुंदरदास। ऑप्शन सी अमीर खुसरो, कबीर, सुंदरदास, दादूदयाल, या फिर ऑप्शन डी दादूदयाल, कबीर, अमीर खुसरो, सुंदरदास। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो, कबीर, दादूदयाल, सुंदरदास। अमीर खुसरो 1254 ईस्वी, कबीर दास 1398 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी और सुंदरदास 1596 ईस्वी। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? यह प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2015 में। ऑप्शन है ए चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, परमानंद दास। ऑप्शन सी छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, या फिर ऑप्शन परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कौन सा सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। अनुक्रम है परमानंद दास 1493 ईस्वी, गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी और चतुर्भुज दास संवत 1520 ईस्वी। प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू दयाल। ऑप्शन बी कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। ऑप्शन सी कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, या फिर ऑप्शन डी नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। अनुक्रम है कबीर 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी और सुंदरदास 1596 ईस्वी। प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जून 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए गुरु नानक, कबीर दास, दादू दयाल, मलूक दास। बी कबीर दास, गुरु नानक, मलूक दास, दादू दयाल। सी कबीर दास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलूक दास, या फिर ऑप्शन डी कबीर दास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कबीर दास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। कबीर दास हैं 1398 ईस्वी, गुरु नानक हैं 1469 ईस्वी, दादू दयाल हैं 1544 ईस्वी और मलूक दास हैं 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? यह प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2015 में। ऑप्शन है ए कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद,
कासिम शाह, ऑप्शन बी कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान, ऑप्शन सी कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद, या फिर ऑप्शन डी उस्मान कुतुबन कासिम शाह नूर मोहम्मद। कौन सा सही है यहाँ पे? सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद। अनुक्रम दिया हुआ है कुतुबन 1503 ईस्वी, उस्मान 1613 ईस्वी, कासिम शाह 1731 ईस्वी और नूर मोहम्मद 1744 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। यह प्रश्न दिसंबर 2014 में पूछा गया है और जून 2018 में। ऑप्शन है ए दादूदयाल गुरु नानक मलूक दास सुंदर दास, ऑप्शन है बी गुरु नानक दादूदयाल सुंदर दास और मलूक दास, ऑप्शन सी गुरु नानक दादूदयाल मलूक दास सुंदर दास, या फिर ऑप्शन डी मलूक दास गुरु नानक दादूदयाल सुंदर दास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु नानक दादूदयाल मलूक दास सुंदर दास। अनुक्रम है गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादूदयाल 1544 ईस्वी, मलूक दास 1574 ईस्वी और सुंदर दास संवत 1653 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए सूरदास परमानंद दास कृष्णदास कुंभन दास, ऑप्शन बी कुंभन दास सूरदास परमानंद दास कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास कृष्णदास कुंभन दास सूरदास, या फिर ऑप्शन डी कृष्णदास कुंभन दास सूरदास परमानंद दास। कौन सा सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंभन दास सूरदास परमानंद दास कृष्णदास। अनुक्रम है कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी और कृष्णदास 1496 ईस्वी। प्रश्न है निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही काल क्रम कौन सा है। निर्गुण कवियों का यह प्रश्न दिसंबर 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए दादूदयाल कबीरदास सुंदरदास मलूकदास, ऑप्शन बी मलूकदास सुंदरदास कबीरदास दादू, सी सुंदरदास मलूकदास दादू कबीरदास, या फिर ऑप्शन डी कबीरदास दादू मलूकदास और सुंदरदास। कौन सा यहां पे ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी कबीरदास दादू मलूकदास सुंदरदास। अनुक्रम दिया हुआ है पहला कबीरदास 1398 ईस्वी, दादू दयाल 1544 ईस्वी, मलूकदास 1574 ईस्वी और सुंदरदास संवत 1653 ईस्वी। प्रश्न है जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम कौन सा है। जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो विद्यापति रैदास नानक, ऑप्शन बी नानक विद्यापति रैदास अमीर खुसरो, सी विद्यापति रैदास अमीर खुसरो नानक, या फिर ऑप्शन डी विद्यापति रैदास नानक अमीर खुसरो। कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो विद्यापति रैदास नानक। अनुक्रम है अमीर खुसरो 1254 ईस्वी, विद्यापति 1350, रैदास 1398 ईस्वी और नानक गुरु नानक 1469 ईस्वी। प्रश्न है रचना काल के अनुसार
निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? यह प्रश्न दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए सराहपा, पुष्पदंत, अदहमाड़, लुईपा। ऑप्शन बी लुईपा, सराहपा, अदहमाड़, पुष्पदंत। सी पुष्पदंत, सराहपा, लुईपा, अदहमाड़ या फिर ऑप्शन डी सराहपा, लुईपा, पुष्पदंत, अदहमाड़। कौन सा यहां पे सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सराहपा, लुईपा, पुष्पदंत, अदहमाड़। अनुक्रम है सराहपा 769 ईस्वी, लुईपा 773 ईस्वी लगभग, पुष्पदंत 559 ईस्वी, संवत 1029 और अब्दुल रहमान या अदहमाड़ 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? यह प्रश्न जून 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए पुष्पदंत, अदहमाड़, स्वयंभू, हेमचंद्र। बी अदहमाड़, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। सी स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमाड़, हेमचंद्र या फिर ऑप्शन डी हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमाड़। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमाड़, हेमचंद्र। अनुक्रम है स्वयंभू 783 ईस्वी, पुष्पदंत 959 ईस्वी, संवत 1029 के लगभग, अब्दुल रहमान या अदहमाड़ 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और हेमचंद्र ये हैं 1145 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए गोविंद स्वामी, आलम, गुमान, मिश्र, वैताल। बी वैताल, गोविंद स्वामी, आलम, गुमान, मिश्र। सी गुमान, मिश्र, आलम, वैताल, गोविंद स्वामी या फिर ऑप्शन डी आलम, वैताल, गुमान, मिश्र, गोविंद स्वामी। कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, आलम, गुमान, मिश्र, वैताल। अनुक्रम है गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, आलम 1583 ईस्वी, गुमान मिश्र सम्मत 1806 ईस्वी और वैताल। अगला प्रश्न है जन्मकाल, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई। बी खुसरो, श्रीधर, चंदबरदाई, जगनिक। सी चंदबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर या फिर ऑप्शन डी श्रीधर, खुसरो, चंदबरदाई, जगनिक। कौन सा सही होगा? सही है सी, चंदबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। अनुक्रम है चंदबरदाई संवत 1205 या 1148 ईस्वी, जगनिक 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1254 ईस्वी और श्रीधर संवत 1737 ईस्वी। अगला प्रश्न है आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है जून 2013 में। ऑप्शन है ए गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सराहपा। ऑप्शन बी अमीर खुसरो, विद्यापति, सराहपा, गोरखनाथ। सी सराहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर ऑप्शन डी विद्यापति, सराहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सराहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। अनुक्रम है सराहपा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 845 ईस्वी, अमीर खुसरो 1254 ईस्वी और विद्यापति 1350 ईस्वी। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए? दिसंबर 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए सराहपा, सोम प्रभ सूरी,
गोरखनाथ हेमचंद्र, ऑप्शन बी गोरखनाथ सोम प्रभु सूरी सराहपा हेमचंद्र, सी सराहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोम प्रभु सूरी, या फिर ऑप्शन डी सोम प्रभु सूरी गोरखनाथ सराहपा हेमचंद्र। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही लग रहा है आपको? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सराहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोम प्रभु सूरी। कालक्रम है सराहपा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 845 ईस्वी, हेमचंद्र 1145 ईस्वी और सोम प्रभु सूरी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से थे और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सुझाव हमें भेजें। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, पुराने जो पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।